नमस्कार दोस्तों, अर्जिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़रोड़ा के बारे में। बहुत ही आम सवाल है कि क्या ज़रोड़ा मेरे लिए एक सेफ ब्रोकर है। इतना कम ब्रोकरेज चार्ज करता है इंट्राडे में, कमोडिटी में और डिलीवरी में तो ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं करता है। किस तरीके से ये पैसा कमाता होगा और मेरे को इतनी सारी सर्विसेज ये इतने कम पैसे में कैसे दे पाता है। बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले बताया कि क्या ज़रोड़ा सेफ़ है, क्या मैं ज़रोड़ा पे विश्वास कर सकता हूँ, क्या डिस्काउंट ब्रोकर्स एज अ कैटेगरी ज़्यादा देर के लिए रुकेगी, क्या ये एक बबल तो नहीं है जो कि जल्दी ही बर्स्ट हो जाएगा और मेरे को नुकसान पहुँचाएगा। ये कॉमन सवाल आते हैं और बहुत से लोगों द्वारा आते हैं, चाहे वो पुराने ट्रेडर हैं चाहे वो नए ट्रेडर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं। और ऐसे सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ ब्रोकर्स बर्स्ट होते जाते हैं या सेबी के द्वारा शट डाउन कर दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली F6 ऑनलाइन, वेल्थ मंत्रा, अमरापाली ट्रेडिंग और ओरिएंट कैपिटल को सेबी ने बैन कर दिया। F6 ऑनलाइन एक डिस्काउंट ब्रोकर था जो कि काफ़ी कम ब्रोकरेज पे अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवाता था, बाकी के ब्रोकर्स फुल सर्विस थे। लेकिन जहां तक बात है ज़रोड़ा की, अगर ज़रोड़ा की बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो भारत का पहला डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर था। 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था और तब लॉन्च हुआ था जब सारी की सारी इंडस्ट्री फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स कैरी आउट कर रहे थे, चाहे वो शेयर खान है, ICICI डायरेक्ट है, एंजल ब्रोकिंग है। तो उस पर्टिकुलर समय में एक अकेला डिस्काउंट ब्रोकर बन के आया था और कॉन्सेप्ट लेके आया था जिसमें कि आपको कोई फ्रिल्स नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं मिलती और आपको ट्रेडिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स मुहैया करवाए जाते हैं कम ब्रोकरेज पे। जैसे कि आपने एयरलाइंस देखी होंगी जो कि बेसिक लेवल की सर्विसेज दे के आपको सिर्फ ट्रेवल करवाती हैं और आपको कम पैसा चार्ज करती हैं। मोर और लेस सिमिलर सॉर्ट ऑफ मॉडल था। करंट क्लाइंट बेस, आज की तारीख में इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं? अगर हम लेटेस्ट नंबर्स की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो ज़रोड़ा के पास करीब 10,25,620 क्लाइंट्स हैं जो कि सम मोर और लेस 1 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं। और भारत में पोजिशनिंग के हिसाब से सोचा जाए तो वो भारत का नंबर वन ब्रोकर बन चुका है। ICICI डायरेक्ट, शेयर खान, HDFC सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, सबको ये काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली नंबर्स लेवल पे एक ट्रस्ट गेन ज़रूर करता है। लेकिन क्या ये खुद पैसा कमा रहा है? वेल, बहुत से कम ब्रोकर्स में से, और अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो ये एक अकेला ही ब्रोकर है जो कि प्रॉफिटेबल है। लास्ट नंबर्स जो कि डिस्क्लोज हुए थे रेगुलेटर पे, वहाँ पे इन्होंने 180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया था। ये 2017-18 के नंबर्स है, 18-19 और 19-20 के नंबर्स तो डेफिनेटली इससे बेहतर हैं क्योंकि इनका ओवरऑल क्लाइंट बेस कम से कम दोगुना हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो डेफिनेट लेवल पे ये ब्रोकर प्रॉफिटेबल है और खुद से अपना खर्चा तो चला ही रहा है और पैसा भी कमा रहा है। कंप्लेंट्स कितनी हुई हैं? देखिए, ज़रोड़ा के खिलाफ आज तक इस पर्टिकुलर साल में 2019-20 में 112 कंप्लेंट हो चुकी हैं और हम पूरे 10 लाख क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 112 कंप्लेंट्स ओवरऑल लेवल पे फिक्स हुई हैं और 0.01% बनता है, ये इंडस्ट्री एवरेज 0.03% है। और इसमें से भी करीब 93.75% कंप्लेंट्स को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। तो कुछ कंप्लेंट्स बाकी हैं, तो सर्टेनली दे प्रॉब्ली विल बी वर्किंग ऑन दोज। तो मोर और लेस कंप्लेंट परसेंटेज पे भी एक ठीक ठाक लेवल पे कंट्रोल रखते आए हैं और मोर और लेस देखते हैं आगे समय में कि किस तरह से इसको और आगे चल के कंट्रोल करेंगे। तो कंप्लेंट लेवल पे एक ठीक ब्रोकर दिखता है। क्या आप इसको लॉन्ग टर्म निवेश के लिए विश्वास कर सकते हैं? देखिए, 9-10 साल हो चुके हैं इस ब्रोकर को, तो सर्टेन लेवल पे एक ठीक ठाक लेवल पे इन्होंने अपना बिजनेस चलाया है, अपना एक ट्रस्ट फैक्टर बनाया है। तो सर्टेनली अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेवल पे भी इनके साथ निवेश करते हैं तो आप एक तरीके से खुद को सेफ मान सकते हैं। लेकिन इन एनी केस आपको जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में होते हैं और डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं होता, वो डिपॉजिटरी के कंट्रोल में होता है। इन केसेस में CDSL और NSDL के नाम आते हैं, उनके पास आपके शेयर्स सुरक्षित रहते हैं। और उस केस में आपको अगर ज़रूरत बंद भी हो जाता है, आपके डीमैट अकाउंट शेयर्स का कोई खतरा आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो उस तरीके से अगर आप समझे कि ज़रोड़ा खुद से बहुत बड़ा गूफ अप कर देता है या कोई इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ जाता है, उसी केस में
जरूरा बंद हो सकता है, लेकिन दैट इज़ मोर देन मोर और लेस सीम्स टू बी अ मिनिमल चांस। हाँ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जरूरा अभी भी ठीक ठाक लेवल पे मात खाता है कभी कभी। अगर रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे तो खास मुश्किल नहीं आती, लेकिन जब हाई ट्रैफिक पॉइंट इन टाइम होता है वहाँ पे जाके दिक्कतें देखी गई हैं। चाहे जरूरा की मैनेजमेंट कुछ भी कहे, लेकिन क्लाइंट्स ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर देखे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पिंच द सॉल्ट लेके चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे हो सकता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके। दैट इज़ वंस इन ए वाइल्ड काइंड ऑफ ए सिचुएशन, बट यू कैन नॉट गारंटी टेक्नोलॉजी फॉर एनी ब्रोकर, बट इनके केस में भी वैसा है। यहाँ पे डिफरेंशिएटर ये नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जरूरा बंद हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ब्रोकर कम्प्लीटली बर्स्ट आउट हो जाता है, उस केस में आपके पैसे का क्या होगा? देखिए, बहुत ही जेनरिक आंसर है ये किसी भी ब्रोकर के लिए चलेगा आंसर, क्योंकि अगर कोई भी ब्रोकर बंद होता है तो पहली बात तो जो आपके शेयर्स हैं वो डिपोजिटरी में हैं, CDSL NSDL के पास हैं, और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है वो आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF करके कुछ होता है, जो कि आपको 15 लाख रुपए तक का मुहैया करवा सकता है राशि। उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सेबी ने ये कंट्रोल ज़रूर रखा है, जो कि हर एक ब्रोकर से हर साल ये एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा भरवाती है, ताकि कल को एक बैकअप प्लान रहे निवेशकों के लिए, किसी भी ब्रोकर के बस्ट आउट होने पे उनको वहाँ से पैसा निकाल के 15 लाख रुपए तक का कंट्रोल दिया जा सके। तो अगर आपका 2 लाख रुपए पड़ा है, 3 लाख पड़ा है, वो सारा का सारा हो जाएगा, 15 लाख तक का सारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का ना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू जो हम देना चाहते थे कि क्या जरूरा या क्या डिस्काउंट ब्रोकर्स एज अ कैटेगरी सेफ है या नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, digitalblogger.com/trading/isjaroorasafe। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए अगर ऐसा है तो, कमेंट्स में हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर आपने अपने चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।